नमस्कार, घर का खाना सेहत का खजाना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं छोले। ये बहुत बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए हम ले रहे हैं 300 ग्राम छोले। छोलों को अच्छे से छाट कर धोकर रात भर पानी में भीगने के लिए रख देंगे, इस तरह से। छोले अच्छे से भीग चुके हैं, इसे हमने रात भर भिगो कर रखा था। ये देखिए छोले कितने अच्छे से भीग गए हैं। हमने छोलों को पानी से निकाल कर धोकर एक कटोरी में रख लिया है। छोले का स्वाद और भी अच्छा करने के लिए हम ले रहे हैं आलू 300 ग्राम। हमने आलू का छिलका उतार कर आलू को धोकर एक कटोरी में रख लिया है। और हमें चाहिए 4 मीडियम साइज टमाटर, 3 मीडियम साइज बारीक कटे प्याज, हींग, नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दालचीनी पाउडर, हरा धनिया, लहसुन, एक टुकड़ा अदरक, जायफल एक, ये ऑप्शनल है, इसे आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लौंग, काली मिर्च और 2 से 3 तेज पत्ते, साबुत जीरा, पतले पतले लंबाई में कटे बारीक अदरक और 4 बारीक कटी हरी मिर्च। छोले में कलर लाने के लिए हमें चाहिए चाय पत्ती का पानी। इसके लिए हम एक पतीले में करीब 1 लीटर पानी लेंगे और पानी को थोड़ा गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच करीब चाय पत्ती और इसे अच्छे से उबाल लेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, गैस को बंद कर देते हैं और अब पानी को छान लेंगे। और अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे छोले भीगे हुए, आलू, चाय पत्ती का छना हुआ पानी डालेंगे इसमें और डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। हम बिना सोडा डाले छोले बना रहे हैं। अब हम इसे 7 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। जब तक छोले पक रहे हैं हम पीस लेते हैं मसाले। एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 1 चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा कुटा हुआ जायफल करीब 1/4 चम्मच और थोड़ा सा पानी डालकर ददरा पीस लेंगे। पेस्ट तैयार है। फिर से एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें डालेंगे लहसुन, 1 बारीक कटा प्याज, थोड़े से अदरक के टुकड़े और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पीस लेंगे। पेस्ट तैयार है इसका भी। कुकर में 7 सीटी आ चुकी है, कुकर ठंडा भी हो चुका है, चेक कर लेते हैं। आलू को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। छोले भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। गैस को ऑन कर लेंगे, तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, गैस की आंच को कम कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पहले तेज पत्ते और इसे थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हींग, इसे कुछ सेकंड तक भूनेंगे। और अब डालेंगे 2 बारीक कटे प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है।
अब हम इसमें डालेंगे अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। अब हम डालेंगे पतले पतले लंबाई में कटे बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, काली मिर्च, लौंग और जीरे का पेस्ट, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे बारीक कटे टमाटर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे 1/2 कप पानी, मसालों को एक बार चला लेंगे और ढककर कम आंच में मसालों को 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे, 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए छोले और आलू, और मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए छोले का पानी। पानी आप आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और अब इसे एक बार अच्छे से घुमा लेंगे और ढक कर धीमी आंच में 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में एक बार चेक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। छोले में उबाल आना शुरू हो गया है। फिर से ढक देंगे, 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे। पांच मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। छोले बन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गैस को बंद कर देते हैं और अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वादिष्ट, लजीज छोले बने हैं, और अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। आप रोटी, नान, भटूरे या चावल किसी के भी साथ और सलाद में हरा नमक डालकर इस लजीज छोले का लुत्फ ले सकते हैं। अगर आप हरे नमक की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारे छोले आलू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर भेजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बनाइए और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार।